प्रेस द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आज मैं अपना गवाही शेयर करना चाहूँगा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में किस तरह कार्य किया। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो मैं शुरू कर रहा हूँ कि जब मैं 10th क्लास में चढ़ा तो मेरे को एग्ज़ाम का डर लगने लगा। तो मैंने परमेश्वर से रोज़ प्रार्थना करता था कि हे पिता परमेश्वर, मेरा रिज़ल्ट 10th क्लास में अच्छा कर देना। ये मैं रोज़ प्रार्थना किया करता था और मेरे को मैथ साइंस कुछ नहीं आता था। धीरे धीरे करते करते परमेश्वर ने मेरे को मैथ साइंस सिखाई दिया। जब मैं ट्यूशन जाता था तो वहाँ सब मेरे 0 मार्क्स आते थे, 25 में 0 मार्क्स आते थे, तो मेरे को शर्मिंदगी लग जाता था। लेकिन पिता परमेश्वर ने मेरे संग रहा, मेरे को कभी ना छोड़ा। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि प्रभु मेरे को मैथ साइंस का बुद्धि दे देना, मैथ साइंस का, बाकी मैं हैंडल कर लूँगा लेकिन मैथ साइंस का मेरे को दे देना, ये मैं कहता था। और इन सब्जेक्ट्सों के लिए, मैथ साइंस के लिए, मैं अपना यूट्यूब पर वीडियो देखता था प्रेयर के लिए। और उन लोग उस वीडियो पर डिस्क्रिप्शन में नंबर डालते थे, मैं कॉल भी कराता था कि, और कॉल करके मैं कहता प्रेयर करवाता था अपने इस मैथ साइंस के लिए ही। मेरे को बहुत डर लगता था मैथ साइंस के लिए। जब हम कितना सितंबर अक्टूबर पहुंच गया तो मेरे को और डर लगने लगा। चलो अब तो 4-5 महीने ही बाकी हैं, 4-5 महीने ही बाकी हैं बोल के मेरे को बहुत डर लगने लगा। और मैंने जीजस कॉल्स में बहुत सारी टेस्टिमनी देखता था मैं, कि जो लोग 200 में 2 नंबर आते थे उन लोग का 200 में 200 आने लगा जीजस कॉल्स में मैं देखता था, तो मेरे को आनंदित होने लगता था। तो एक बार मैंने एक दिन मैं बहुत निराश था, शुरू ही जब मैं 10th क्लास चढ़ा उस टाइम मैं बहुत निराश था। एक दिन 0 नंबर आए थे उस दिन, तो मैंने यूट्यूब पर सर्च किया एग्ज़ाम प्रेयर मैंने सर्च किया, तो वहाँ मैंने पास्टर सामुएल मेसी का वीडियो को क्लिक किया और मैंने उनका वीडियो देखा। तो उनने भी बताया कि मैं भी मैथ में बहुत कमज़ोर था, यहाँ तक कि मैं 10वीं पास करने का लायक भी नहीं था। तो परमेश्वर ने, और उसने भी परमेश्वर को अपनाया, तो उन, तो वो भी इंटर में बहुत अच्छे मार्क्स आया जो साइंस और मैथ में। परमेश्वर ने उसके जीवन में भी अद्भुत कार्य किया। तो मैंने उसके नंबर ले लिया और कॉल किया और पास्टर सामुएल मेसी ने अपना गवाही बताया। उन्होंने एक बुक लिख रखी है, उनको मैंने मंगवाया, जो जिसका बुक का नाम है प्रभु येसु विद्यार्थियों की मदद करते हैं। तो आप भी अगर चाहें तो उन बुक को मंगवा सकते हैं, आप भी आशीषित पाइएगा। हाँ, तो मेरा एग्ज़ाम पहुंच गया मार्च में। तो हम लोग मार्च में एग्ज़ाम लिखने चले गए प्रार्थना करके। मैं रोज़ प्रार्थना करता था कि एग्ज़ाम अच्छे जाए। तो मैं एग्ज़ाम लिखने चला गया तो मैं इतना प्रार्थना किया था, मेरा इंग्लिश का अच्छा गया, हिंदी का भी अच्छा ही गया, फिर मैथ का आया। मैथ दिन तो बहुत सारा क्वेश्चन छूट गया, साइंस दिन भी छूट गया, SST का भी अच्छा गया। तो मैंने कहा ये प्रभु, मैंने तो तेरे से इतना प्रार्थना किया था फिर भी क्वेश्चन छूट गया मेरा, अब मेरा क्या होगा, मैंने कहा। तो परमेश्वर पर हम विश्वास करना ना छोड़े और हम रिज़ल्ट के इंतज़ार किए, परमेश्वर से प्रार्थना किए, रिज़ल्ट के इंतज़ार किए। तो मैं तो परमेश्वर कहता था, परमेश्वर अगर मेरे को 2nd डिवीज़न भी दे दो तो मैं बहुत खुश रहूँगा, 2nd डिवीज़न भी। लेकिन पिता, जब हम रिज़ल्ट देखे तो मेरा 65% आया, वो भी 1st डिवीज़न। इतना मेरे को आनंदित लगा और मेरे को बहुत सारे कॉल्स आने लगे कि बधाई हो। मेरे को बहुत आनंदित लगा, थैंक यू लॉर्ड। मैंने परमेश्वर की बहुत धन्यवाद दी। मेरे को कॉन्ग्रेचुलेसन नहीं बोलो बल्कि परमेश्वर को बोलो, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे को 1st डिवीज़न दिलाया है। तो आप भी जब एग्ज़ाम लिखने जाएगा तो परमेश्वर को याद कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि लोग बहुत कोई प्रेयर करते हैं कि एग्ज़ाम अच्छा लिखे, और प्रेयर करने के बावजूद भी उन लोग एग्ज़ाम खराब जाता है तो कहने लगते हैं कि परमेश्वर, मैंने तो तुझसे प्रार्थना की थी लेकिन तूने मदद नहीं की, मेरा एग्ज़ाम पेपर ख़राब चल गया। वो कोई बात नहीं, क्योंकि चेक तो परमेश्वर करता है, परमेश्वर के हाथ में रिज़ल्ट रहता है। इसलिए मैं भी निराश हो गया था कि
परमेश्वर मैं तो इतना प्रार्थना करके गया, फिर भी मेरा माइंड सेंस का इतना क्वेश्चन छूट गया, ये कैसा हो सकता है, ऐसा मैंने कहा। लेकिन मैंने अपना आशा और उम्मीद परमेश्वर पर ही छोड़ा कि कुछ भी हो जाए, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उसके हाथ में रिजल्ट रहता है। और ये सच्ची बात निकला कि मेरा मैं तो साइंस में बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए थे जो 5-5 नंबर के थे, लेकिन पिता परमेश्वर पर मैं उम्मीद करना ना छोड़ा तो उसने मेरे को फर्स्ट डिवीजन में पास कराया, सभी में अच्छे अच्छे मार्क्स दिए। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आप भी चाहे एग्जाम खराब भी जाए, निराश मत होइए आप, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में रिजल्ट रहता है। और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, सब चीज़ वही आपको लीड करेगा। हाँ, वही आपको लीड करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है राजाओं के मन नालियों के जल यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता है उधर उसको फेर देता है। मतलब राजाओं का मन, जो इवेल्युएटर का जो कॉपी चेक करता है, वो यहोवा के हाथ में रहता है, यीशु के हाथ में रहता है, वो जिधर चाहे उधर फेर देगा। उसके मन में दया डाल के आपको वो ज़्यादा नंबर दिला सकता है। इसलिए पिता परमेश्वर पर आशा ना टूट मत छोड़िए, क्योंकि पिता परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मैंने एग्जाम जैसा भी लिखा, रिजल्ट तो तेरे हाथ में, तू करेक्शन करना। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अच्छे मार्क्स से हमें ब्लेस्ड कर दिया। इतना करके आप छोड़ दीजिएगा और आप आनंदित रहिएगा। मैं बहुत डर रहा था कि मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, लेकिन पिता परमेश्वर पर मैंने आशा करना ना छोड़ा। पिता परमेश्वर ने मुझे ब्लेस्ड करके मेरे को फर्स्ट रैंक दिया। परमेश्वर की स्तुति हो, धन्यवाद। प्रेस द लॉर्ड। परमेश्वर पर आशा लगाइए रहेगा, वो आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में जितना भी जरूरत को सबको पूरा करेगा और आपका उद्धार करेगा। निरंतर प्रार्थना करते रहिएगा, आपके जीवन की जरूरत के लिए भी नहीं बल्कि स्वर्ग राज के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा कि परमेश्वर मेरा उद्धार कर, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। आपको मार्ग दिखाएगा, जिस मार्ग में चलना है उसका आपको बुद्धि देगा, जिस मार्ग में चलना है उसमें आपका अगुवाई करेगा। धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो, प्रेस द लॉर्ड। तो मेरा यह छोटी सी गवाही थी, तो मैं यही तक मैं अंत करता हूँ। धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पास्टर सामेल मेसी की, जो उसके वीडियो देखकर मैंने परमेश्वर से पढ़ाई करने के लिए, प्रार्थना करने के बुद्धि मिला मेरे को कि अपने पढ़ाई के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। तो धन्यवाद करते हैं पास्टर सामेल मेसी। ऐसे ही बच्चों के लिए, हमारे लिए, स्टूडेंट के लिए इनकरेजमेंट संदेश भेजते रहेगा ताकि हम आशीषित हों और दूसरों का भी सुसमाचार सुना सकें। आमीन।